अस्सलामु अलैकुम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न: बुतपस्ति मूर्ति पूजा की शब्दावली से अभिप्राय क्या है? क्या सुन्नत नबवी या कुरान में उसका वर्णन हुआ है? उत्तर का पाठ: हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है। बुतपस्ति से अभिप्राय मूर्तियों की पूजा करना और उनसे लगाव रखना है। यह शब्द उन स्थलीय लौकिक धर्मों को इंगित करता है जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कि अरब, भारत, जापान इत्यादि के अनेकेश्वरवादी, जबकि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों का मामला इसके विपरीत है। कुरान और सुन्नत में मूर्तियों की पूजा करने से निषेध किया गया है और अकेले अल्लाह की पूजा करने का आदेश दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, 30, तो तुम मूर्तियों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी बचो। सूरतुल हज्जर 30। तथा सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया, 5, और अरुज मूर्तियों से दूर रहो। सूरतुल मुद्दसर 5। अबू सलमह ने कहा, अरुज से अभिप्राय मूर्तियां हैं। इसे बुखारी ने अपनी सहीह में किताबुत तफसीर अल्लाह के कथन वर्रुजा फहजूर के अध्याय के अंतर्गत मुअल्लकन रिवायत किया है। तथा अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो इब्राहिम को जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह की उपासना करो और उससे डरते रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। तुम तो अल्लाह को छोड़कर मात्र मूर्तियों को पूज रहे हो और झूठ घड़ रहे हो। निसंदेह तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पूजते हो वे तुम्हारे लिए रोजी का भी अधिकार नहीं रखते। अतः तुम अल्लाह ही के यहाँ रोजी तलाश करो और उसी की इबादत करो और उसके आभारी बनो। तुम्हें उसी की ओर लौटकर जाना है। सूरतुल अनकबूत 16-17। तथा उसने फरमाया, 26, और उसने कहा कि तुमने अल्लाह को छोड़कर जिन मूर्तियों को पूज्य बना रखा है वह केवल सांसारिक जीवन में तुम्हारी पारस्परिक दोस्ती के कारण है। फिर कियामत के दिन तुम में से हर एक दूसरे की दोस्ती का इनकार करेगा और तुम में से हर एक दूसरे पर लानत धिक्कार करेगा, और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और कोई तुम्हारा सहायक न होगा। सूरतुल अनकबूत 26। तथा बुखारी हदीस संख्या 7 ने अबू सुफियान के साथ हिरकल की कहानी के विषय में रिवायत किया है कि हिरकल ने कहा, और मैंने तुमसे पूछा कि वह तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं, तो तुमने कहा कि वह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज़ को साझी न ठहराओ, और वह तुम्हें मूर्तियों की पूजा से रोकते हैं, तथा वह तुम्हें नमाज पढ़ने, सच बोलने और सतीत्व की रक्षा करने का हुक्म देते हैं। अतः यदि ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो निकट ही वह इस स्थान का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। अबू दाऊद हदीस संख्या 4252 और तिर्मिजी हदीस संख्या 2219 ने सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया तो मैंने उसके पूर्व और पश्चिम को देखा, और निसंदेह मेरी उम्मत का राज्य वहां तक पहुँच कर रहेगा जहां तक मेरे लिए ज़मीन समेटी गई, तथा मुझे लाल और सफ़ेद दो खजाने दिए गए, तथा कयामत उस समय तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले गोत्र मुशरिकों से मिल न जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले गोत्र मूर्तियों की पूजा न करने लगें। इस हदीस को अल्बानी ने सहीह अबू दाऊद में सहीह कहा है। इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में यह अध्याय कायम किया है, अध्याय समय का बदलना यहाँ तक कि मूर्तियों की पूजा होने लगेगी। फिर उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस को उल्लेख किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दौस के गोत्र की महिलाओं के नितंब ज़ुल्खल्सा पर हिलने लगे। ज़ुल्खल्सा दौस गोत्र की मूर्ति थी जिसकी वे इस्लाम के पूर्व अज्ञानता के काल में पूजा करते थे। इसे बुखारी हदीस संख्या 7116 ने रिवायत किया है। सारांश यह के बुतपस्ती अर्थात मूर्तियों की पूजा अरब प्रायद्वीप में व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो कि आजकल कुछ देशों जैसे भारत, जापान और अफ्रीका के कुछ देशों में प्रचलित है, और हदीस में है कि वह अंतिम समय में कयामत कायम होने से पहले अरब प्रायद्वीप में वापस आ जाएगी, और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।